हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंतवीर सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल EBS Tech अनंतवीर सोनी में। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको अर्न मनी के ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताते आया हूं जिसके थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते थे, चाहे वो YouTube से रिलेटेड हो या फिर वो एफिलिएट मार्केटिंग का हो, जैसे वी कमीशन हो गया, Amazon हो गया, Flipkart हो गया, Snapdeal हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो, मतलब किसी भी चीज से अर्न मनी का अगर कोई भी टॉपिक था तो वो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो ऐसा ही एक और नया प्लेटफॉर्म आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कि अगर आपका जैसे अभी आपने सुना होगा कि यूट्यूब ने एक नई कंडीशन की है कि आपको 4000 घंटे होना चाहिए, 4000 आवर्स प्लस 1000 सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए। तो अगर आपके ये नहीं हो रहे हैं या आपको लगता है कि आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा तो भी आपको फिकर करने की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी आपके लिए मैं एक नया प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जिसका नाम है DTube। ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं आज, इसीलिए ये वॉलपेपर स्पेशल लगा है कि व्हाट इज DTube। तो आज अपन यही बात करने वाले हैं कि DTube में ऐसी क्या खासियत है जिसने अभी तकरीबन मार्केट कैप्चर कर लिया है। मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि YouTube के बराबर आ गया है, लेकिन DTube का ये कहना है कि वो एक अच्छा खासा मार्केट बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम इनका एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज DTube, Why it can replace YouTube। ठीक है, तो ये फुल रिपोर्ट इन्होंने बता रखी है कि ये रिप्लेस क्यों कर देगा YouTube को, ऐसा इनका मानना है। लेकिन मुझे पता है YouTube को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि YouTube बहुत आगे है। तो चलिए फिर भी ये देखिए, इन दिस वीडियो आई ब्रेक डाउन द न्यू स्ट्रीमिंग वीडियो। ये जो है DTube है, ये न्यू स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसको अपन DTube बोलते हैं। और ये कुछ नहीं है, मतलब ये कुल मिला के ऐसा है। तो DTube में है क्या कि सिर्फ आपको अपने वीडियो अपलोड करना है, यहां पे आपको जो भी व्यूज होंगे आपके और जो भी आपके अपवोट्स होंगे उसके आपको पैसे आप उससे कमा सकते हो, और वो जो पैसे आप कमाओगे वो क्रिप्टो करेंसी में ही होंगे, वो ऐसे आपके डायरेक्ट अकाउंट में फिलहाल नहीं आएंगे, वो क्रिप्टो करेंसी में आपको मिलेंगे और उसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है या डॉलर में कन्वर्ट करना है या फिर आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका प्रोसेस भी मैं आगे बताऊंगा कि आपको वो कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली DTube है क्या। अभी आप DTube पे जाएंगे तो जो इसकी मेन साइट है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेन साइट है d.tube। ये देखिए, ये जो है ये DTube है। आप यहां पे देख रहे हैं कि इन्होंने इतना डॉलर कुछ कमाया है एक घंटे में। तो ये कैसे कमाया है इन्होंने, सिर्फ इनका जो वीडियो है इसको लोगों ने देखा है, इसको वॉच किया है और इसको अपवोट किया है और लाइक किया है, सिर्फ इसी बेस पे ये अर्निंग होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके एड आएंगे या कुछ भी होगा उस टाइप से, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन कि इसमें अपन अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको चाहिए है, यहाँ पे जो ये लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है आपको, इसको लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे लॉगिन के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि आपको वैसे तो ये स्टीम कनेक्ट से कनेक्ट है, तो स्टीमेट इनकी एक और साइट है जिसपे अभी अपन ब्लॉग पढ़ रहे थे, स्टीमेट। ये स्टीमेट का ही एक नया प्रोडक्ट है जिसका नाम उन्होंने DTube रखा है। ठीक है, तो स्टीमेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपन को जब लॉगिन पे गए तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं, नो अकाउंट, देन साइन अप ऑन stimate.com। ठीक है, अपन ने इस पे क्लिक किया तो आ गए अपन इधर। अब अपन को इसमें करना क्या है, यहाँ पे अपन को सिंपल सा एक अकाउंट नेम डालना है।
अकाउंट नेम आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अभी अपन ने लिया मनी गुरु, ठीक है। मनी गुरु अवेलेबल नहीं है, यहां पे आपको तुरंत बता भी देगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अपन ने लिया टी सीरीज, ये भी अवेलेबल नहीं है। टी सीरीज ऑफिशियल, ठीक है, ये अवेलेबल है, ठीक है। अभी अपन मनी गुरु ऑफिशियल देखते हैं, ये मनी गुरु ऑफिशियल अवेलेबल है। अपन इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, अपन ने इसके साथ कंटिन्यू किया। अब आपको यहां पे एक ईमेल डालना है जो आपकी इसके साथ लिंक रहेगी, तो मैं लिंक फिलहाल अभी के लिए एक ईमेल डाल देता हूं, अनंत विजय सोनी। तो मेरी इसमें पहले से रजिस्टर है, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, तो अभी कर देते हैं अनंत विजय सोनी 1@gmail.com। ओके, अब अपन ने इसको कंटिन्यू किया, अब यहां पे एक नंबर चाहिए अपन को जो कि अपन यहां पे डाल सकें। नंबर अपन फिलहाल अपन इंडिया सिलेक्ट करते हैं, नंबर एक्चुअली, हाँ, तो अभी यहां पे अपन को नंबर डालना है, तो अपन ने नंबर ये एंटर किया प्लस अपन ने कंटिन्यू किया, ठीक है। फोन नंबर डालने के बाद, अपन कंटिन्यू करने के बाद एक कंफर्मेशन आएगा आपके फोन पे, तो ये देखिए कुछ कंफर्मेशन आया है जो कि मैं डाल रहा हूं। ये मैं कंटिन्यू किया, ठीक है, और थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर फोन नंबर, ये फोन नंबर अपना कंफर्म हो गया है, ठीक है। अभी आपका, तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर पे अपना ये मैसेज आया है, यू आर अ फ्यू अवे स्टेप। यहां पे अपन को अपना ईमेल कंफर्म करना है, तो अभी अपन ने ईमेल खोला है और ईमेल में आप देख रहे हैं ये कंफर्मेशन लिंक उन्होंने मुझे सेंड की है, ठीक है। कंफर्मेशन लिंक सेंड करने के बाद अब देखिए, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर ईमेल आफ्टर वैलिडेटिंग योर साइन अप रिक्वेस्ट विथ वी विल, अब ये अप्रूवल के लिए गया है, ठीक है। अप्रूवल के बाद मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूं जो मेरे लास्ट ईमेल, जो मैंने लास्ट अपना रजिस्टर किया था उसका जो मुझे ईमेल आया था वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब जब मेरा, जब ये अकाउंट कंफर्म हो जाता है तो योर अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड, तो इस टाइप से एक मेल आएगा आपके पास कि ये आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 12 दिन पहले किया था, 12 दिन तक मैंने इसको सोचने समझने के बाद मैं आपको आज बता रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, ताकि मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, तो इसलिए मैं इसका आपको वीडियो बना के बता रहा हूं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। अभी ये सब होने के बाद अब अपन करते हैं कि अपन को इसमें लॉगिन करता हूं, लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये अपन ने, जो मेरे ये पुराने हैं, तो अपन ने इसको लॉगिन किया। यहां पे देखिए, मैंने चैनल पे लॉगिन, चैनल में अपना दिखा देता हूं, अनंत विजय सोनी करके मैंने एक चैनल बनाया था, और ये देखिए अभी दो वीडियो मैंने इसमें ऐड कर रखे थे जिनकी 10 डेज पहले मैंने किया था, लेकिन इस पे कोई अर्निंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप DTube से रिलेटेड वीडियो डालोगे तो आपको ज्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि DTube लाइक्स DTube, ऐसा है इनका अभी तो। तो फिलहाल अभी तक इसमें कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन अभी तक ये देखिए कुछ इन्होंने दिखाया है कि कुछ अर्निंग शो कर रहे हैं, ये पता नहीं किस टाइप के है। खैर, अभी मैंने आपको दिखाया है कि इसमें अर्निंग भी होती है, क्योंकि मैं आपको आगे जब मैं कुछ अच्छे वीडियो डालूंगा, इसलिए वो मैंने मनी गुरु का एक नया चैनल बनाया है ताकि मैं उस पर अच्छे वीडियो डाल सकूं। ये तो मेरा था अनंत विजय सोनी, तो इसमें मैं
टेक्निकल और इस टाइप के ही वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों ये सब हो गया कि आपको DTube क्या है और आपको इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये आज का अपना टॉपिक था। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं आगे कि आपको इससे अर्निंग कैसे करनी है। तो आगे ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AVS Tech अनंत वी एस सोनी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप चाहें तो मेरे DTube को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पे आपको ज्यादा वीडियो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अभी मैं एज अ टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आपको मैं DTube से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं सबसे पहले आके आप लोगों को दूंगा। तो बस सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों।